बिस्मिल्लाहमान रहीम वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनिट्री पॉलिसी गोल्स एंड ऑबजेक्टिव टूल्स मॉनिटरी पॉलिसी यूज करती है तो जाहिर है कोई ऑब्जेक्टिव होंगे हमेशा कोई भी टूल यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्टिव को किसी गोल को अचीव करने के लिए तो अब जो हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो मॉनिटरी पॉलिसी गोल्स के ऊपर है और गोल्स में जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है तो इसलिए पहला लेक्चर इस सीरीज में हम प्राइस स्टेबिलिटी से ही स्टार्ट करेंगे देखें स्टांस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी एक टर्म है जिसका मतलब यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है या मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी और लूज है टाइट है तो उसके इफेक्ट्स कॉन्ट्रेक्शनरी आएंगे अगर मॉनिटरी पॉलिसी लूज है तो इसका मतलब है उसके इफेक्ट्स एक्सपेंशनरी आएंगे अब मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस कभी टाइट होता है कभी लूज होता है तो ये जो स्टांस है इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है उसकी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस क्यों है इसलिए कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस एक्सपेंशनरी है तो एक्सपेंशनरी स्टांस के वक्त होगा ये कि इकॉनोमी के अंदर इन्फ्लेशन आएगा क्योंकि इकॉनॉमी के अंदर एक ओवरहीट ओवरहीट होने की कैपेसिटी होती है जो इकोनॉमी अपने कैपेसिटी लेवल पे प्रोड्यूस कर सकती है अगर अपने पोटेंशियल लेवल पे प्रोड्यूस कर सकती है तो अगर लूज मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से उससे ज्यादा डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमी ओवर हीट होगी और इकोनॉमी में हायर इन्फ्लेशन होगा और जितना इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन होगा तो लॉन्ग रन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उससे इफेक्ट होगी नेगेटिवली इफेक्ट होगी यानी कि वो कम हो जाएगी तो क्या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को लूज नहीं होना चाहिए तो क्या दूसरी सूरत में क्या होना चाहिए टाइट होना चाहिए तो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी को भी देख लेते हैं तो याद रखें टाइट मॉनिटरी पॉलिसी के अपने नेगेटिव हैं मसलन अगर पॉलिसी ज्यादा टाइट कर दी जाए अब टाइट करने का मतलब है मनी सप्लाई कम कर दी जाए या इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया जाए तो अगर ज्यादा टाइट कर दी जाए तो इकॉनोमी में रिसेशन आ जाएगा यानी कि लोन नहीं ले सकेंगे बिजनेसेस और वो इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स के लिए लोन नहीं ले सकेंगे हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से तो इसका मतलब यह है वो कंज्यूम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड कम होगी जिससे रिसेशन आएगा और उस रिसेशन की वजह से अनएंप्लायमेंट क्रिएट होगा इसका मतलब है मॉनिटरी पॉलिसी लूज हो जाए नॉर्मल लेवल से ज्यादा एक्सपेंशनरी हो जाए तो इन्फ्लेशन आ सकता है नॉर्मल लेवल के मुकाबले में टाइट या कॉन्ट्रेक्शनरी हो जाए तो उसका मतलब है अनएंप्लॉयमेंट हो सकती है और इकॉनॉमी में रिसेशन हो सकता है और हती के रिसेशन जो है वो डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो सकता है और डिफ्लेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं डिफ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी इकॉनोमी में प्राइसेस कम होने लग जाए जब प्राइसेस कम हो जाए तो ये इकॉनॉमी के लिए एक डिजास्टर की सी सिचुएशन एक क्राइसिस की सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट रुक जाती हैं और बहुत सारी और बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो जाती हैं तो ये रीजन है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन या प्राइम गोल समझा जाता है अब एक बात याद रखें कि स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है और उसमें सारे का सारा इश्यू क्या है कि अगर एक्सपेंशनरी होगी तो इन्फ्लेशन आएगा कॉन्ट्रेक्शनरी होगी तो अनएंप्लायमेंट होगी लेकिन साथ एक्सट्रीम सिचुएशन में डिफ्लेशन हो सकता है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो ये दोनों कीमतों के बढ़ने कम होने की बात है तो इस वजह से जो मॉनिटरी पॉलिसी का मेन गोल है वो प्राइस स्टेबिलिटी लिया जाता है अब ये जो प्राइस स्टेबिलिटी है इसका मतलब क्या है हम कैसे कहें कि प्राइस स्टेबिलिटी क्या चीज है प्राइस स्टेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन होती है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। जब आपका इन्फ्लेशन रेट लो हो और स्टेबल हो तो हम कहते हैं प्राइस स्टेबल है अब अगर आप पाकिस्तान का केस भी देख लें तो पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट 1956 है जो कि 2022 में अमेंड हुआ तो उसके लिए अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें जो उसकी सबसे पहली स्टेटमेंट है इस एक्ट की वो है वेयर एज इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक टू अचीव डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी बाय वे ऑफ रेगुलेटिंग द मॉनिटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड सो ऑन इसका मतलब है पहला जो मॉनिटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में सेट किया गया एमेंडेड एक्ट के अंदर वो है प्राइस स्टेबिलिटी फिर वही एक्ट एस का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट प्राइस स्टेबिलिटी को डिफाइन भी करता है और वो क्या डिफाइन करता है वो कहता है प्राइस स्टेबिलिटी मींस द मेंटेनेंस ऑफ लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन गाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट तो ये जो इसका मतलब है अगर आप इस डेफिनेशन को भी देखें तो वही जो हमने अदरवाइज लिटरेचर की डेफिनेशन पढ़ी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट भी यही कहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी से मुराद है लो और स्टेबल इन्फ्लेशन रेट अब सवाल यह है कि इन्फ्लेशन रेट को क्यों लो रखना चाहते हैं और क्यों स्टेबल रखना चाहते हैं दुनिया के सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वजह यह है कि उसके कुछ कास्ट होते हैं सोशल कास्ट भी होते हैं इकोनॉमिक कास्ट भी होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होगा या स्टेबल नहीं होगा तो इससे प्राइसेस की इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी और उससे अनसर्टेनिटी होती है और आपको पता है कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं चाहे वो कंज्यूमर्स के हैं चाहे वो बिजनेस के हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं वो अनसर्टेनिटी के अंदर ऑप्टिमल नहीं लिए जा सकते तो इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है अनसर्टेनिटी के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सब ऑप्टिमल हो जाते हैं। दूसरी बात कि अगर आप कोई फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर तो जो आपका डिसीजन है फ्यूचर के बारे में वो भी सब ऑप्टिमल हो जाते हैं मसलन आपने सेव करना है आप कंज्यूमर हैं आप सोचते हैं कि मैं इनकम में से इतना कंज्यूम करूं और इतना सेव कर लूं अब अगर इन्फ्लेशन अनसर्टेन है तो आपके लिए क्या चीज अनसर्टेन हो जाएगी कि जो आप सेव कर रहे हैं फ्यूचर में उसकी रियल वैल्यू क्या होगी तो आपका डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा Businesses ये सोचते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें रिटर्न फ्यूचर में कितना मिलेगा और वो इस पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना होगा अगर इन्फ्लेशन ही अनसर्टेन हो फ्यूचर में तो फ्यूचर का रिटर्न भी अनसर्टेन हो जाएगा फिर और क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं जैसे अगर स्टेबल हो तो फिर तो फिर जैसेज ऑलमोस्ट जो है वो बहुत थोड़ी मैग्नीट्यूड के साथ चेंज हो रहे हैं लेकिन अगर प्राइसेज में बड़ी मैग्नीट्यूड के साथ चेंजेस आ रही हैं तो प्राइस कंपटीशन क्योंकि एक फॉर्म ने प्राइसिस बढ़ाई फिर उस कंपटीशन में दूसरे ने बढ़ाई या एक ने कट कर दी तो ये एक अननेसेसरी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा इसी तरीके से वेज और प्राइसेस जो ओवरऑल हैं इकोनॉमी की वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, जिसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे एक सोशल प्रॉब्लम भी हो सकता है और वो ये कि जब इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो तो वर्कर्स की वेजेस रियल सेंस में कम होना शुरू हो जाती है बेशक नॉमिनल अपनी जगह पर कायम भी रहे तो अब जब रियल में कम आना शुरू होगी तो वो शोर मचाएंगे कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाए ताकि रियल में भी हमारी वेजेस एटलीस्ट पुराने लेवल पे तो आए फार्म जो हैं वो अगर उनकी वेजेस नहीं बढ़ाएंगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा वर्कर्स के अंदर वर्कर्स और फॉर्म के दरमियान में तो इसका मतलब है ये उसका एक सोशल कास्ट भी है इन्फ्लेशन रेट का अब सवाल ये है कि एविडेंस क्या है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन पे तो इसका एक एविडेंस ये हो सकता है कि जितने भी पब्लिक ओपिनियन सर्वेज होते हैं उनमें अमूमन जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि पब्लिक पब्लिक डिसलाइक इन्फ्लेशन कभी कभी जो होते हैं उन का रिजल्ट ये नहीं निकला कि लोग कहें कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन जब वो कहते हैं कि हम डिसलाइक करते हैं तो इसका मतलब कोई कास्ट होगा तो वो डिसलाइक करते हैं अगर बेनिफिट होते तो फिर डिसलाइक क्यों करते है? इसी तरीके से अगर आप टाइम सीरीज डेटा या कंट्रीज के ओवरऑल रिजल्ट देखें यानी कि सर्विस कंज्यूमर के ना देखें बल्कि एग्रीगेट लेवल देखेंगे देखें तो आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा कि इन्फ्लेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे भी होते हैं वो मनी डिमांड पे भी होते हैं इंटरेस्ट रेट पे भी होते हैं और स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होते हैं और इसमें भी फिर फर्दर अगर हम चले जाएं हाइपर इन्फ्लेशन का जो कि इन्फ्लेशन की एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जैसे डिफ्लेशन डीफ्लेशन है कि कीमतों का गिर, गिर जाना उसके अपोजिट आता है हाइपर इन्फ्लेशन कीमतों का बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ जाना तो जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो जिस कंट्री में भी आया है उसने उस इकॉनोमी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए लेकिन यहां पे आपके जेन में ये भी क्लियर होना चाहिए कि हाइपर इन्फ्लेशन इतना कम इन्फ्लेशन रेट नहीं होता ये हंड्रेड ऑफ परसेंट में इन्फ्लेशन रेट चला जाता है तो पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री में कभी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं हुआ यह बात आपके जेन में रहनी चाहिए Thank you.